एक मिनट, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम राज को बुला पाई? पुनर्विवाह तो कर लिया, पर क्या विक्रांत को अपने दिल से अपना पति मान पाई? मैं अभी की मां बन पाई हूं, वैसे की कमी है, मैं विक्रांत जी को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। तुम 10 बरस राज को चाहती रही और आखिर एक दिन तुम्हारे प्यार का असर राज पर हो ही गया। ये होती है प्यार की ताकत। जिस तरह तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं पूरे दिल से राज को चाहूं, अपने प्यार का दिया जलता रहने दो ताकि उसकी रोशनी राज तक पहुंचे, तो क्या उसी तरह तुम विक्रांत के प्यार को पाने की कोशिश नहीं कर सकती? देखो सरिता, अगर तुम पूरे दिल से प्यार करोगी ना, तो एक दिन विक्रांत के दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार का जन्म ले लेगा। अतीत के पन्ने बंद कर चुकी हो, तो क्या वर्तमान के पन्नों पे विक्रांत के साथ अपनी प्रेम कहानी नहीं लिखोगी? सरिता, अगर तुम सिर्फ अभी की मां बनकर रह गई ना, तो ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा, और ये तभी पूरा होगा जब तुम विक्रांत के साथ सही मायनों में पति पति बनकर रहोगी। मैंने तुमसे एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंत तक कोशिश करती रहूंगी कि मैं राज को पा सकूं। उसी तरह तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम विक्रांत के प्यार को पाने की पूरी कोशिश करोगे। करोगी ना? सरिता, मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता, चले। तो सही, अच्छी खुशी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। भैया ना अपनी मनपसंद खीर खा के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ देख, वो कचौरी भी बनानी है। बना 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 तू। अरे मुन्नी, बबली, अरे बैठक ठीक ठाक कर दी ना, नए बिस्तर लगा दियो, घर एकदम चमकना चाहिए। ए हरियाणवी फटफटी, दिवाली है क्या जो ऐसे घर सजवा रही है? बेटा आ रहा है मुंबई से मेरा, और वो भी दिव्या के साथ, तो मेरे लिए तो दिवाली है ना। लो कल्लो बात, चिल्लपो तो ऐसे मचा रही है जैसे बेटा बंबई से नहीं जंग जीत के आ रहा है। लो घंटी बज गई। मलके, अरे बूढ़ी घोड़ी, इस उम्र में हड्डी टूटती है ना, तो जुड़ने में बहुत वक्त लगता है। चार चार बच्चों की अम्मा है, एक बार सास भी बन चुकी है, दोबारा सास बने को मरी जा रही, मरी जा रही है। ए मुरली मनोहर, इसका मकल को थोड़ी अकल दे दो, क्या करूं इसका। आए मेरे बेटा आ गया। दिव्या, रुको रुको, पहले मैं आरती उतारूंगी फिर अंदर आना। कैसी आरती? बस ठा गई हो क्या? गृह प्रवेश थोड़ी हो रहा है। ए मुरली मनोहर, इसकी हरियाणवी खोपड़ी में कितने फितूर भरे हैं कसम से। अरे सासू मैया, आप नहीं समझेंगी, दिव्या समझ गई होगी, है ना? वो टीवी में पहले भी बहू बन चुकी है, सीरियल तो देखती है ना आप। तो जब बहू बाहर से आती है तो आरती की थाल लेकर कोई ना कोई स्वागत करने को आ जाता है। माँ जी, वो झूठी आरती, वो झूठा मान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सरिता, विक्रांत जी, अभी Thank you.
कैसी है मेरी अल्लाह की गाय, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर लग रही है तू। भाभी और आप आइए ना, चलिए आ जाओ अभी। हाँ चल, आप सब एक साथ कैसे? वो क्या है ना माँ जी, हम सब एक साथ मुंबई से फ्लाइट में आए हैं, बल्कि एक ही होटल में रुके थे। जब भोपाल पहुंचे तो विक्रांत ने कहा कि वो हमें घर तक ड्रॉप कर देंगे, इसलिए साथ में चले आए। वैसे मैंने सोचा इसी बहाने सरिता भी आप लोगों से मिल लेगी। हाँ चलो, अच्छा हम ऐसे ही बिन बुलाए आ गए। I'm sorry अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो। परेशानी कैसी, दामाद जी हमारे घर आए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और फिर हमारा घर सरिता का तो मायका ही है ना। घर सुना सुना हो गया तेरे बिना, तू तो 4 दिन नहीं रहा, तो घर खाने को दौड़ रहा था। अब मेरा तो मन नहीं लगा बिल्कुल भी घर में। अब कभी मत जाइए अपनी माँ को छोड़ के। ये लो, बेटे के आते ही बेटे के सामने रोना शुरू कर दिया। सबको अच्छे से बैठने तो दे। शीला जा, भाई दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, और राज के लिए जो उसकी मनपसंद खीर बनाई है वो लेकर आ। राज तू तो इधर आके बैठ मेरे पास। एक मिनट मैं। अरे तेरे नाम की इतनी आदत हो गई थी, दुकान में किसी को भी बुलाना हुए था तेरा नाम जबान पे आता था। आजा। ये आपके लिए। अरे ये तो इतर लाया है। अरे भाई वाह। राज बेटा, वो जो मैंने कान की मशीन बोली थी वो लाया है ना? कान कमजोर हो गए आपके? ये तो बड़ी खुशी की बात है। MP3 प्लेयर। हाँ यही। ये आपका प्लेयर पकड़ी। तेरे लिए। हाँ? चल ये क्या है, सबसे लेटेस्ट फैशन की साड़ी है जो दिव्या की डिजाइनर ने बनाई है। और भैया मेरी क्या? पूरा मुंबई उठाकर लाए राज अपनी बहनों के लिए। आंखें बंद कर और यहाँ आ, बोलना मत आग। ओके तेरे लिए और पब्लिक। थैंक यू। अब खुश? ये तेरे लिए। थैंक्स भैया। राज्य को समझ नहीं आ रहा है, ये परिवार उनकी जिंदगी है, मुझसे नाता जोड़ने के जुनून में वो ये भूल गए हैं। तीनों बहनों के लिए कितना प्यार है उनके दिल में, वो इस ममता के प्यार के बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे, ये एहसास उन्हें याद दिलाना होगा। घर के बड़े बेटे हैं वो, और ऐसे कैसे मुंह फेर सकते हैं वो अपने परिवार से, वो भी सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए। नहीं, मुझे राज्य के सर पर से ये जुनून उतारना ही होगा। मैं लेके आती हूँ अभी। सरिता लेना। नहीं माँ। अरे एक लड्डू ले लो दामाद। नहीं थैंक यू। नहीं नहीं लेना तो पड़ेगा।
अभी बेटा ये देख लड्डू, तेरा जितना मन करे जी भर के खा। तू ध्यान रखा कर अपने खाने पीने का, सही दादी की तरह मोटी हो जाए कुठला सी। मुझे तो लगता है दामाद जी आजकल वो क्या कहते हैं ना, हाँ वो जिम करवाते दिखे सुबह से, हम थोड़ी सी पतली हो गई है। नानी अब तो बहुत कॉमेडी करती हो और बहुत हंसाती भी हो। अच्छा बेटा आप पे गया है, दाई मांग रही पैसे और ताने मारने सीख गया। अब इजाजत दीजिए, चले अभी अपने घर। अरे डी चलो। नमस्ते। सरिता ठीक कहती है, इस भटके हुए मुसाफिर को सही राह पर लाना होगा। राज के दिल में मेरे लिए मुझे प्यार जगाना होगा। राज तुम्हें अपने प्यार की गिरफ्त में बांध लूंगी, मैं कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे आप लोग ने बताया नहीं कि आज आ रहे हैं। अभी बेटा मुझे ये बताओ कि आपकी ट्रिप कैसी रही, कैसा रहा आप लोगों का सफर, मजा आया कि नहीं? मुझे बहुत मजा आया नानी, मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत मस्ती की, डैडी ने मुझे पोल खेलना भी सिखाया और डैडी के साथ हमने डांस भी किया। अच्छा तो मुझे फोटोग्राफ नहीं दिखाओगे कि आप लोग कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या मजा किया, क्या क्या देखा? वो फोटोज तो डैडी के आईपैड में है। बेटा बाद में देख लेना, अभी मुझे आईपैड पर काम है, मैं फ्रेश होकर आता। अच्छा बेटा। बेटा नानू आपकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चलो जाओ बेडरूम में उनको सरप्राइज दे दो। ओके नानी। अरे सरिता बहू रानी जरा हमारे साथ भी तो बात करो, जाते वक्त तो बहुत चालाकी दिखाई और चली गई विक्रांत जी के साथ मुंबई, तो लेकिन विक्रांत जी का चेहरा देखते हुए लगता नहीं कि तुम्हारा साथ उन्हें कुछ अच्छा लगा। और हनीमून के भी कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। डियर सासुमा, अगर आप जैसी सास किसी के पास हो तो बहू खुशी कैसे हासिल कर सकती है? वैसे बड़ी स्मार्ट हैं आप, कितनी अच्छी तरह परखा आपने, विक्रांत जी की शक्ल देखकर ही सब कुछ जान लिया, क्या बात है। वैसे एक बात कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात, पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी मत बनी, वरना अगली बार कबाब के साथ हड्डी भी निकल जाऊंगी। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? रोहन की माता जी, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि राज जी को आपने बताया था कि हम मुंबई में हैं, और वो भी उसी होटल में रुके थे जहां हम रुके थे। वैसे थैंक्स, आपकी इस चाल ने मेरी बहुत मदद की और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दी। विक्रांत जी के करीब आने में आपकी चाल ने ही मेरी मदद की।
हमारे रिश्ते को काफी हद तक सुधार दिया। मुंबई से आई हूं तो एक नई उम्मीद लेकर। मुंबई में जो नजदीकियां आई थी उसका फल मुझे यहां आने के बाद मिलेगा। आने वाली जिंदगी में प्रणाम कर रही हूं, आशीर्वाद नहीं दोगी? में किसी ने इसको वशीकरण मंत्र तो नहीं दे दिया? भाभी, बाबूजी ने कहा शादी की हर तैयारी, हर छोटी बड़ी चीज आपके पसंद से तय होगी, क्योंकि आप एक बड़ी एक्ट्रेस है। तो चलिए आप मुझे देखकर बताइए आपके नीचे कौन सा मंडप पसंद आया। मुन्नी, अपने भैया से पूछो ना, अब जो उनकी पसंद है वही मेरी पसंद है। भाभी, भैया 10 साल से बस रद्दी छाट रहे हैं, उन्हें इन सब बारे में क्या पता? और वैसे आप हाई सोसाइटी में रहने वाली हो, आपको भैया की पसंद अच्छी नहीं लगेगी। पता है मुन्नी, जो ये हाई सोसाइटी है ना, उससे ऊब चुकी हूं मैं। आम लोगों की तरह जिंदगी बिताना चाहती हूं, अपने राज के साथ। वैसे भी आज तक जो पहना है, जो मेकअप किया है, वो सब राज ने तो सिखाया है मुझे। इसलिए अब जिंदगी में वही करूंगी जो राज चाहेंगे। इसलिए बाबूजी से कह दो, जो भी होगा वो राज की पसंद का होगा। अरे वाह भैया, मुझे तो लगा था आप इस घर में भाभी राज करेंगी, पर आपकी तो क्या किस्मत है, अब भी घर में राज भैया का ही राज चलेगा। मुन्नी, तू चल मेरे साथ चल, तुझे मैं बताऊंगी कौन कौन से कमरे सफाई करने हैं मेहमानों के लिए। चल चला, खड़ी हो। कमरा साफ करना? चल जल्दी चला। राज, मैंने जो कहा है वो पूरे दिल से कहा है, आई होप तुमने सुना होगा। अरे दिव्या बहू, अरे तू भी आ जा, तेरे टीवी वाले मेहमानों के लिए कमरा सजाना है ना, आ जा बेटा। दिव्या मेरे लिए जीना चाहती है, मेरे साथ जीना चाहती है, और मैं कैसे बताऊं दिव्या को कि ये शादी होने वाली ही नहीं। मैं तो सरिता जी के साथ घर बसाने का फैसला कर चुका हूं। तुम चाहे जितनी दूर भागने की कोशिश करो राज, मैं और सरिता तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ये शादी तो होगी, अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा।
अभी भी है ना, अपने खिलौने कहीं भी रख देता है। जिस तरह तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं पूरे दिल से राज को चाहूं, तो क्या उसी तरह तुम विक्रांत के प्यार को पाने की कोशिश नहीं कर सकती? कम से कम थैंक्स तो कहना चाहिए विक्रांत जी को। मिस्टर सूर्यवंशी,